जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व मित्रों, मोटिवेशनल बुद्धा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है। मित्रों, सही तिथि, पूजा विधि और जन्माष्टमी का महत्व क्या है, यह सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, यह आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। मित्रों, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा? मित्रों, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है, ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह आप सभी जानते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। यह दिन श्री कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्युलोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। मित्रों, 26 अगस्त की सुबह 3:39 पर कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत होगी। 28 अगस्त की सुबह 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले, दाहिने हाथ में कुछ जल फूल लेकर श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष व्रत का संकल्प ले। इसके बाद घर में चौकी लगाकर कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रखें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। इस दिन आप सभी पूजा सामग्री को अपने पास इकट्ठा कर इस दौरान श्री कृष्ण जी के समक्ष दीप जरूर जलाएं, फिर कृष्ण जन्म कथा का पाठ करते हुए उन्हें माखन का भोग लगाएं। भगवान से प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करें। मित्रों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप अर्थात ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है, यह तो आप सभी जानते हैं। इस दिन भगवान को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाता है और कोई फल का भोग लगाता है और कोई पंजीरी का भोग लगाता है। कहा जाता है, इस दिन भगवान को खीरे का भोग अवश्य लगाएं, साथ ही तुलसी जल का भोग तो अवश्य ही है। मित्रों, इस दिन पंचामृत भी बनाया जाता है। पहले पंचामृत से भगवान को स्नान भी करवाना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बताने जा रहा हूं। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की पूजा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं अर्थात शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप, अगरबत्ती, दीप, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, रुई आदि को सम्मिलित किया जाता है। पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, तुलसी जल, शुद्ध गाय का घी, दही, दूध, रथु फल नैवेद्य या मिष्ठान, छोटी इलायची, लौंगमल, इत्र की शीशी अवश्य शामिल करें। इस दिन आप चंदन बार भी बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, ऐसा करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, चंदनवार आप अशोक के पत्तों की, आम के पत्तों की भी बना सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको श्री कृष्ण के कुछ शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं, जिन्हें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जपने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। क्रम कृष्णाय नमः, ओम देव की नंदना, ए विद्महे वासुदेवाय, धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, गोकुलनाथाय नमः। मित्रों, यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, तो मित्रों, अब हम आपको भगवान लड्डू गोपाल के 7 भोग के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल 56 भोग के समान ही चीजें हैं जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय, तो हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे जो उन्हें अति प्रिय हैं, ताकि उन्हें 56 भोग इतना ही को प्राप्त हो। अब हम जानेंगे कि वह कौन सा चीज है जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय है।
अगर हम वह साथ कि जब भगवान कृष्ण जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जवाब लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें, तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें। बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश करें और लड्डू गोपाल जी को ज्योतिष सबसे ज्यादा प्रिय है। हमारे किशन कन्हैया लाल को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है वह है माखन मिश्री, तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। एक दिन की मलाई या दो दिन की मलाई आप ले लीजिए और उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए। तो देखिए, यहां पर मैंने मन बना लिया है और मक्खन में मिश्री डालकर अब हम लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। तो पहले नंबर पर तो माखन मिश्री है, दूसरे नंबर पर फिर हम मेवे का भोग समर्पित करेंगे। आप मेवा पार्क बना सके, शीघ्र निवेश की बर्फी बना सकते हैं, या जो 5 तरह के निवेश तरह के लिए इकट्ठे करके लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित जन्माष्टमी को आप मेवे का भोग जरूर समर्पित करें भगवान श्री कृष्ण जी को। इसके साथ ही देखिए, जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी आप जरूर बनाएं। घर पर ही धनिया को भून लें, उसमें मीठा मिलाएं, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजीरी बनाएं। धनिया पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पालन नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का आप वह जरूर समर्पित करें। के साथ देखिए, पंचामृत का भोग आप जरूर समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, फिर उनका भोग समर्पित किया जाता है। तो पंचामृत व भूख जरूर समर्पित करें। देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले शहद उसको छिटाया जाता है, तो शहद का भोग आप जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी जो है वह भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, शाहरुख को जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को खीरा अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप खीरे का भोग जरूर समर्पित करें। और बेतुल से भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भी आप भोग भगवान को समर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जरूर रखें। तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें, ताकि जन्माष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे तो उसमें तुलसी जरूर रखते। फ्रेंड्स, ये 7 वह भोग है जो भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय हैं। और अगर आप 56 भोग नहीं समर्पित कर सकते हैं, 56 भोग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो यह 7 हो गई जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और जिनके भोग से भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस जन्माष्टमी आप भी यह 7 व भगवान श्री कृष्ण जी को अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। और बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें, जिससे हमारी सारी कथाओं का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।